वेलकम बैक जी। खबर है शादी की तकरीब में बुरा गाने पर गुलकार बैंड की धुलाई, पैसे भी वापस ले लिए। बुरा गाना धुलाई होगी जी? ये चमन का वाक्य है। अब चमन ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे, उनका ख्याल ये था, ये म्यूजिशियंस का, कि भाई इन बेचारों को क्या समझ, हम मॉडर्न लिबास पहनकर शक्लों से रॉक एंड रोल टपकना और बात है और गाना और बात है। उन्होंने जब कहा ना कि आपकी कोई तान दूसरी से नहीं मिल रही, सुर सुर से नहीं मिल रहा, आप बेताले भी हैं और आप लिरिक्स गलत पढ़ रहे हैं, जिस पर वो इंतहा के कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो हमारा भांडा सरे बाजार फूट गया। तो वो कहने लगे कि अगर आप इतने ही सियाने तो खुद क्यों नहीं गा लेते। इस पर फिर मेजबान ने अंगूर दी सोटी ना मारे उन्होंने। अंगूर की सोटी नहीं होती, उठे अंगूर ज्यादा होंगे। अंगूर की सोटी कहाँ होती है? लाली कसम नहीं दी मालिक। तुम बहुत बोलते हो, प्लीज मैं जीवना दे बोलना ना सर, किसी ने भी तो बोलन दिया। जो मरासिया मार पई चमन च, सही पई है। मरासी ना कहो, फनकार थे बेचारे लेकिन थे अनाड़ी। साढ़े महल वाजे वाले बड़ी मार पई। उत्थे शादी सी ते ओ नाल ना दो सही बजाउण वाले बाकी मजदूर भर्ती किए, उन्होंने वर्दियां पवाइया, उन्हें सिर्फ मूँह ना ही लाया बजाउण ना। वो मुंडे का ताया बड़ा कब्बा सी, वो कहिंदा अहीं पैसे दिते तुही इह की फूका मारन दे। ये कल्चर है बाकायदा पूरे यूरोप में, अमरीका में, यहाँ भी इंडिया में भी। आप लिप सिंकिंग करें ना किसी फंक्शन पे, बहुत मायूब समझा जाता है। बियॉन्से ने ये तकरीब हल्फ बरदारी थी, किसकी भला? बियॉन्से से कुछ ज़हन में नहीं आता। ओबामा, ओबामा के साथ उसके मामलात थे भाई। जी, उसकी बीवी ने शक किया उस। ये दरोगबर गर्दन रावी है। तो बियॉन्से ने तकरीब हल्फ बरदारी में सिर्फ लिप सिंकिंग की थी, जिस पर उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि वो पकड़ी गई थी। चुनाचे इस तरह की अगर जालसाजी अव्वल तो करो ही ना, और अगर करो तो मेक श्योर के पकड़े ना जाओ। अच्छा मेरी बात सुने, लिप सिंक वो लोग करते होंगे जिन्हें गाना आता नहीं। लिप सिंक नहीं होता, लिप सिंक। जो भी है ना, वो बात मेरी समझ में आ रही है ना? इसे ठीक मार पड़ी अभी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो। देखा आपने ऑडियंस की क्लैप हमारे लिए? अच्छा, क्लैप बड़ी जबरदस्त हुई है। ओ चमंच भी हो इसी पहले पहले। इसमें उन लोगों को गाने का पता नहीं था, अंगूर खा खा के दिमाग खराब हो रहे उनके। अच्छा तुम्हें उन्होंने बुरा गाने पे नहीं मारा, बुरा लगने पे मारा। ओ कोई सोने दा कलाक होवे। पहला बूट है दी मेरे तो बेहसन। सर देखिए जमाना बदल गया, म्यूजिक के टेस्ट बदल गए, म्यूजिक के टाइप्स बदल गए, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा ये सारे पागल हैं भाई, इनमें से एक भी नॉर्मल नहीं, और ये खातून सबसे ज्यादा पागल है। पागल मेरा दिल ही पागल। क्रेजी 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 क्रेजी। माय हार्ट इज मैड, I'm mad, you're mad, you're mad, you're mad, everyone's mad! ऐसे जिन्हें सिंगर ने सब अपना अपना ही गाउंदे ने। मारी बच्ची खटने के आते, खटक ले आंदी सुई, उई! मैंनू अपने बच्चियां दी कसम तानू सही मार पई। बहुत अच्छा गा रहे ने। ये तुमने कहा अच्छा गा रहे? हाँ जी मैंने कहा अच्छा गा रहे। कोई शर्म नहीं आती? उन्हें नहीं आती। कनाडा में बहुत मशहूर है, 3 मिलियन फॉलोअर है हमारे। बाकी 3 मिलियन ये फॉलोअर्स भी, ये कौन लोग हैं? ये हर एक को फॉलो कर लेते हैं। अरे बहुत अच्छा गा रहे हैं, तुम्हारे सोच तो बहुत गा रहे हैं। तुम खुद क्यों नहीं जाके ज्वाइन कर लेते उन्हें? एडी केडी गले मैं आप जाके सुना देना। हेलो हेलो, तुम्हारी केडी कोई ऐसी क्लास है? हकीम इज ग्रेट, हकीम इज ग्रेट, हकीम इज ग्रेट, हकीम इज ग्रेट, हकीम इज ग्रेट। हकीम साहब आपको माइक चाहिए। ले चॉकलेट वाला पकौड़ा होंदा है।
ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਯੂ نو ਤਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉ ਨਾ ਹਕੀਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਓਵੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਨਵੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਸੱਪ 'ਤੇ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਚੀਟੇ ਨਾ ਫੇਕੋ ਹਕੀਮ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੌਣਕੀ ਜੀ ਪਾਈ ਮਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 3:30 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ थले खुला हुंदा थके हुण साह लै रहे 10 मिनट चार्ज हो जाने फिर साडी कमकती आई ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਬਣਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਾ 2 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਜੀਜੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅਕਲਾ ਸ਼ਨਕੋਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਸ ਡਸ ਵਜਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਸ ਡਸ ਵਜਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗਿਟਾਰ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਟਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਟਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਫੈਂਡਰ ਹੈ ਫੈਂਡਰ ਇਹ ਗਿਟਾਰੋਂ ਕੀ ਬ੍ਰੈਟਾ ਹੀ ਹੈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ पता ये बहुत अच्छा डांस करते हैं आओ पेजी कम ऑन कम ऑन पेजी कम ऑन कैन यू कम ऑन कम ऑन कम ऑन एन फफड़ नु छाड़ दे आगे आ और सुनो भाई ओ यार क्या हो गया एक मिनट की टूट जाएगी मैं भी टूट जाएगी एक मिनट यार की होया यार एक मिनट सब्र तो करी दंदा ये टेढ़े बड़े स्टार इथे आके बैठ रहे ने तू बैठना किथे जा रहे हैं लाही खैर जुनैद दे बच्चे दी खैर भाग लग गया मेहरबानी करो मेहरबानी बड़ी यार कमाल आदमी हो तुम वेरी गुड ले जो नहीं आप ले जो ले जो ले जो ले जो ले ये हुन तोड़ना पड़ना उन्होंने मोटे का खास तौर पे बताएं सबसे पहले ये आया था ना मैं ही क्या चंगा पला उसे परफॉर्म कर रहा से कंटिन्यूस रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नाज़िर ਤਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜਿਨੋ ਤੁਮ ਨਰਸ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਔਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਲੇ ਆਏ ਨੇ ਯੰਗ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਨਾ ਇਹ ਤੋ ਜੇ ਯੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ
क्या बीमारी क्या है इसको? ये मैंने ऐसा पता लग रहा। बात सुनो, घर क्यों नहीं जाते हो तुम? इन दस यार मैं क्यों नहीं जाता और बीमारी की है मैनु और टीका केड़ा केड़ा लगता है सारी मालूम दस बेचारे तू दस ना तू थत्था ये बदतमीज जहा बंदा मैं मुंह नहीं लगना चाहता। क्या कहा तुमने? मैं क्या सारे एंकर साहब है ने मसरूफ ने तुम दसो जरा इन्होंने। नहीं तुमने कुछ और कहा था? नहीं नहीं और नहीं और तो मुस्तफा कुरैशी होता नहीं कुछ नहीं कहा। और मुस्तफा कुरैशी कैसे होता? इलमा नहीं लिखा होता पर देखिए मिठाई वाली दुकान से जाना मेसू इतना मीठा क्यों नहीं? इन पता से रखिया क्यों? क्यों जिन्हें शुगर के मरीज ना ये उन्होंने फीकियाँ जुगत सुना है वो बेहतर हो रहा है। और आप दोनों कौन है? मैं जी सीनियर नर्स है गिया। और आप जूनियर नर्स है? मैं सिस्टर मायरा हूँ और सिस्टर रूबी है। अच्छा जी, और आप? सलामुअलैकुम जी। सलामुअलैकुम, आप यंग डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल। तो ये भी यंग डॉक्टर है? सर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ऐसे ही है। क्या मसला है आपने मुझसे क्या करवाना है? ओए मेरे पास ये टूटियां भी है। ओए जवाना सुन सकना तो मेरी गल सुन। ये क्या है? बेचारा पागल है जी। ये यंग डॉक्टर पहले ठीक सी सर, उन्हें लत मारी भी इस तरह का होया। तो मैं मारन लगा सी, मैं बच गया सी। 11 साल तो मैंने जैसे अस्पताल च और मैं सही नहीं हुंदा पिया और मैंने तो टकरे कर दिया सर। असल ते ना ये फनकार, ये पेमेंट मर गई तो पागल हो गया है।